दूसरा एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस एक ऐसी चीज होती है जो कि आदमी को कहीं भी ले जा सकती है, चाहे तो वो आसमान तक, ऊंचाइयों तक या फिर गर्त में। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखा जाता है कि जब आप ओवर एक्सपेक्टेशंस करते हैं तो प्रॉब्लम्स इंक्रीज होती है। सो एक्सपेक्टेशंस इज द रूट ऑफ ऑल हार्टेक। ये शेक्सपियर ने कहा है कि जब आप एक्सपेक्टेशंस करते हैं तो वही एक्सपेक्टेशन आपके दुखों का, तकलीफों का मेन कारण होते हैं। जनरली हम स्टॉक मार्केट के अंदर भी कुछ इसी सिनेरियो के साथ आते हैं, और जब हम लोग एंट्री करते हैं स्टॉक मार्केट में तो हमें बहुत सारे लोगों से पता चलता है कि भाई मार्केट बहुत अच्छा चल रहा है, खूब पैसा कमाते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो भी आपसे कम्युनिकेट करते हैं वो कभी भी अपने लॉसेस के बारे में जिक्र नहीं करते, वो हमेशा अपने प्रॉफिट्स के बारे में जिक्र करते हैं। वो आपको ये नहीं बताएंगे कि उन्होंने कितना पैसा गंवा दिया, वो आपको ये बताएंगे कि वो किस स्टॉक में निवेश कर रहे हैं या कौन से स्टॉक्स अच्छे हैं, कौन से खराब हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं या तो उनके मन में फियर होता है कि बता देंगे तो आप कहोगे कि अरे साहब कुछ आता है नहीं, लगा दिया मार्केट में, या फिर वो अपने आप को कुछ ज़्यादा समझदार दिखाने का प्रयास करते हैं आपके सामने, और आपको कुछ ऐसी पिक्स बताएंगे, आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स बताएंगे जो कि आपको आने वाले समय में प्रॉफिट दे सकते हैं, और आपसे बड़ी बातें करेंगे। आप लोग भी मार्केट में जब पोजीशन बनाना स्टार्ट करते हैं, डीमैट खुलवाते हैं, एंड उसके बाद आप लोग भी ये सोच के चलते हैं कि अब हमने डीमैट खुलवा लिया है, अकाउंट में पैसा ट्रांजेक्ट करेंगे, एंड देन उसके बाद चूँकि मार्केट बहुत बढ़िया चल रहा है, चार लोग आपसे बात करेंगे, भाई निफ्टी तो भाग रहा है, ये स्टॉक तो इतना चढ़ गया, उस स्टॉक ने पिछले 10 दिनों में या 15 दिनों में 20% रिटर्न दे दिया। तो वहाँ पर लोगों को ये लगने लगता है कि जब हम निवेश करेंगे तो हमें भी उतना ही प्रॉफिट मिलेगा, और यहीं से एक्सपेक्टेशंस स्टार्ट होती हैं स्टॉक मार्केट के लिए, जो कि शायद रियल पिक्चर से डिफरेंट होती है। और इसका सीधा साधा एग्जाम्पल अगली स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ कि कुछ इस तरह से एक्सपेक्टेशंस होती हैं। हम लोग वी शेप की एक्सपेक्टेशंस करते हैं, हम सोचते हैं कि जब हम निवेश करेंगे तो उसके बाद जो प्राइस होगा वो एकदम वी शेप में जाएगा और हम प्रॉफिट खूब पैसा कमाएंगे, प्रॉफिट कमाएंगे और एंजॉय करेंगे। बट द रियलिटी इज़ डिफरेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रियलिटी है इसकी, और रियलिटी बताती है कि बहुत से हर्डल्स होते हैं, बहुत टाइम्स पैनिक्स होते हैं, कई बार तो आप उन पैनिक्स में अपने काउंटर्स को सेल करके बड़े बड़े लॉसेस लेते हैं। अल्टीमेटली टारगेट्स वही होते हैं, मंजिल वही होती है, बट तरीका डिफरेंट होता है। हम लोग एक्सप्रेस वे की उम्मीद करते हैं, बट जनरली हम लोग खड्डों की सड़क पर चल रहे होते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, जहाँ पर कभी अप्स कभी डाउन्स होते हैं। बट जब उनको सिनेरियो दिखाया जाता है, चाहे वो न्यूज़ में हो, चाहे वो कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा हो, तो हमको सिनेरियो ये दिखाया जाता है कि ये बहुत ऊपर की तरफ जाएगा, वी शेप में विक्ट्री करेगा। ठीक है, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशंस और रियलिटी में ये डिफरेंस आपको दिखाई देगा, और यहाँ से आप अपने थॉट प्रोसेस में थोड़ा सा चेंजेस लाएंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। तो ये एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपकी, बट दिस इज़ द रियलिटी। तो रियल पिक्चर में जाइए, रियलिटी में जाइए, और मार्केट में जो भी पैसा लगाए वो रियल पिक्चर और रियलिटी को दिमाग में रखते हुए ही लगाए। और आज मैं इस बात को आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ समय से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ज़बरदस्त अपमूव रहा है नवंबर मंथ के अंदर, और लोगों को लगता है कि दिस इज़ द अनदर बुल रन, बट दिस इज़ नॉट द रियल पिक्चर माय डियर। अभी पिक्चर में ट्विस्ट आना है जो कि 11 दिसंबर के बाद आएगा। 11 दिसंबर को जो 5 स्टेट्स में इलेक्शंस इस वक्त चल रहे हैं, आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। 3 बड़े स्टेट्स छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, किसकी गवर्नमेंट बनने जा रही है। अगर रूलिंग पार्टी की सरकार नहीं बनती है और कोई भी दूसरा अदर जो अपोनेंट्स होते हैं उनकी भी कोई मेजर कंप्लीट बहुमत नहीं आता है, देन डेफिनेटली आप देखेंगे एक बिग फॉल मार्केट के अंदर वेट कर रहा है। ठीक है, सो आप रियलिटी को समझिएगा। हम लोग चार्ट के द्वारा बात करेंगे निफ्टी के ट्रेंड के बारे में। ओके, अब यहाँ से आप निफ्टी के ट्रेंड को समझिएगा। तकरीबन 26 अक्टूबर 2018 की बात करते हैं, मतलब नवंबर शुरू नहीं हुआ था, एंड अक्टूबर 26 से अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो अक्टूबर 26 को मार्केट 10,000 का लेवल टच किया था। अगर हम लोग कैंडलस्टिक में बात करेंगे तो 10,000 के नीचे भी मार्केट गया था कुछ स्लाइडली। ओके, अब यहाँ पर जब मार्केट ने 10,000 टच किया 26 अक्टूबर को, उसके बाद जबरदस्त नॉन स्टॉप रैली लगभग 800 से 900 पॉइंट की एक महीने के अंदर, बहुत सारे स्टॉक्स ने भी जबरदस्त रिटर्न दिए। लेकिन अब देखने वाली बात यह, अगर हम देखेंगे ना
तो अब आपको प्रोडक्शंस भी मिलने लगेंगे, आप म्यूजिक सुनेंगे या कुछ लोगों से बात करेंगे तो वो लोग आपको बुल रन कहेंगे कि आप अब बुल रन आ रहा है, ठीक है, कि 11,000 को क्रॉस कर जाएगा। बट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा, 10,940 एक बड़ा रेजिस्टेंस है और 900 के ऊपर की क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है निफ्टी पिछले 2-3 दिनों से। आप यहाँ पर देख सकते होंगे कैंडल स्टिक में अटेम्प्ट किया 29 नवंबर को, ठीक है, हाई गया इसका 10,883, उसके बाद फिर अटेम्प्ट किया 30 नवंबर को, हाई गया 10,922, बट द क्लोजिंग इज बिलो 9,000, सॉरी क्लोजिंग इज बिलो 10,900 लेवल, और जो क्लोजिंग आई थी वो आई थी 10,876, मतलब 10,900 के ऊपर नहीं गया। अगेन टुडे जो आपका जो हाई गया वो 10,941.20 गया है, ओपन हुआ था 10,930 पर, बट अभी एट प्रेजेंट जो चल रहा है वो आप देख सकते हैं 10,883, यानी कि आज मार्केट चूंकि बंद हो चुका है तो 10,883.75, यानी कि 10,900 के लेवल को पिछले 3 दिन से ट्राई कर रहा है बट ये तोड़ नहीं पाया। यहाँ पर अब एक हल्का सा गैप है, लगभग हम मान के चलेंगे 10,756 से लेके, और बहुत बड़ा गैप नहीं, 10,781 तक, ठीक है, 20-25 पॉइंट का गैप यहाँ पर मेंटेन हो रहा है। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि यहाँ पर मार्केट में 10,900 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग स्टिल नहीं आई है। तो क्या बुल्स और बेयर दोनों वेट कर रहे हैं इलेक्शन के नंबर्स के 11 तारीख के? तो आप लोग भी वेट कीजिए, आप लोग भी अभी किसी भी फ्रेश इनिशिएटिव से बचिएगा, कोशिश, क्योंकि देखिए जब कुछ बड़ी इवेंट आने वाली होती है तो उस बड़ी इवेंट को आने का इंतज़ार करते हैं, ठीक है, किसी भी तरह से एजम्पशन में आप आके कि भाई फला पार्टी जीत जाएगी, ये पार्टी हार जाएगी, इन एजम्पशंस पे आप स्टॉक मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, आप रियल फैक्ट्स पे काम करेंगे तभी आप ट्रेड कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बड़ा सा रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है, दिस इज़ द प्लेस जो कि एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन की तरह काम कर रहा है 10,936, और मार्केट यहीं पर आके स्टक हो रहा है। इस लेवल के नीचे की जब क्लोजिंग आई थी तो आप सभी को पता 10,000 का लेवल ब्रेक हुआ था, और अगर यहाँ से मार्केट इन एनी केस ऊपर की तरफ जाने में असफल रहता है, यानी कि बुल्स वीक हो जाते हैं, बियर्स ग्रिप ले लेते हैं, और कोई भी नेगेटिव न्यूज़ आ सकती है, इन एनी केस हो सकता है 11 तारीख को रूलिंग पार्टी की सरकार किसी एक स्टेट में नहीं बने, किसी 2 स्टेट में ना बने, हो सकता है सभी स्टेट्स में बन जाए, बट ये हो सकता है कि जो मार्जिन हो वो कम हो जाए, किसी भी चीज़ को एज ए नेगेटिव सेंटीमेंट्स की तरह ले सकता है मार्केट। अगर अच्छी गवर्नमेंट फॉर्मेशन होती है, यहाँ से ब्रेकआउट जाता है, देन डेफिनेटली मैं आपसे कहूँगा कि 11,300 तक के लेवल, 200 से लेकर 300 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं इन द कमिंग मंथ, दिसंबर मंथ के अंदर। बट अगर ऐसा नहीं हुआ और अगर 11th के इलेक्शन में कुछ उठापटक हो गई, ठीक है, देन आपको यहाँ से रिवर्सल भी देखने को मिल सकता है, और आपका जो इनिशियल सपोर्ट लेवल रहेगा वो रहेगा लगभग 10,750, और अगर 10,750 के नीचे की क्लोजिंग रहती है तो इसका मतलब फिर एक वीकनेस इंक्रीज होगी और मार्केट में फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल रहेगा आपका लगभग 10,450 का। तो ये निफ्टी का ट्रेंड रहेगा। फिलहाल मैं निफ्टी में फ्रेश पोजीशन बनाने की आपको सलाह नहीं दूंगा, मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप इतना वेट कर रहे हो तो आप एक हफ्ता और वेट कीजिए और 11 दिसंबर इलेक्शन नंबर्स का इंतज़ार कीजिएगा। एक बार इलेक्शन नंबर्स आते हैं देन आपको पता चल जाएगा कि मार्केट किस करवट बैठा है, और फिर आप अपनी पोजीशन को बनाएंगे तो प्रॉफिट भी ले पाएंगे। ये बात हो गई आपकी निफ्टी के बारे में। अब दूसरी आती है निफ्टी बैंक, मीन्स बैंक निफ्टी, लोगों को लगता है बैंक निफ्टी भी बुलिश है। सो बैंक निफ्टी में आप देखिएगा दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन हमारी बन रही है, ऑलरेडी मैं पहले भी बता चुका हूँ, यहाँ से ये जो ट्रेंड क्रिएट हो रहा है, यहाँ पर देखिए लोअर लो पे आता है, देन हाई टच करता है, देन वापस लो पे आता है, हायर हाई हायर लो बन रहा है, एंड देन फिर लो पे आया, हाई टच किया, लो पे आया, देन फिर कोशिश किया इसने, लेकिन ऊपर जो अपसाइड टेरिटरी थी उसको टच नहीं कर पाया, नीचे आ गया एंड उसने क्लोजिंग ब्लो, ये इस ट्रेंड लाइन से नीचे चला गया। और अब जो ये ट्रेंड लाइन है, जब तक कि इसके ऊपर की क्लोजिंग नहीं आती है, यानी मार्केट देखे 2-3 दिन से मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करने की कोशिश की लेकिन वो फेल हो रहा, यहाँ से अगर मार्केट ऊपर की तरफ नहीं गया तो फिर आपको मार्केट में अगेन एक डीप करेक्शन देखने को मिल सकता है लगभग 25,650 तक, 2,500-2,650 तक बैंक निफ्टी आ सकता है। इट्स द पॉसिबिलिटीज आर देयर, लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर की क्लोजिंग आ जाती है एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, देन डेफिनेटली आपको एक अच्छे अप मूव्स भी देखने को मिलेंगे,
बैंक निफ्टी के अंदर। फिलहाल अगर मुझे लगता है कि अगर हम बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो तकरीबन 27,130 बैंक निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। और आप इस रेजिस्टेंस को स्पेशली फोकस कीजिएगा, आप 27,130 के लेवल के ऊपर की अगर बैंक निफ्टी क्लोजिंग देता है तो आपको फिर बैंक निफ्टी में 29,000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। बट अनटिल एंड अनलेस जब तक ऐसा नहीं होता है आप क्लोजली वॉच कीजिएगा, वेट कीजिएगा दिसंबर 11 जो कि इलेक्शन नंबर आएंगे। तो दोस्तों ये हमने बात की बैंक निफ्टी के बारे में, निफ्टी के बारे में लोगों के एक्सपेक्टेशंस हैं कि दोनों ही बुलिश मोड में बैठे हैं और लोग पोजीशन बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। बट मुझे लगता है कि पोजीशन बनाने से पहले अगर फेयरली हम लोग अपने ट्रेंड को चेक कर लें, फेयरली हम लोग कुछ दिन वॉच कर लें, और चूँकि एक बड़ी इवेंट नेक्स्ट वीक आने वाली है, अगर हम उस इवेंट का इंतज़ार कर सकते हैं, पेशेंस है अगर हमारे साथ, तो डेफिनेटली हमें उस इवेंट का वेट करना चाहिए क्योंकि उसके नंबर्स बहुत कुछ बदलेंगे। ना केवल स्टेट इलेक्शंस का रिजल्ट पता चलेगा बट उससे काफ़ी हद तक 2019 में जो जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं मई में उसकी रियल पिक्चर भी काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों ये हमने बात की एक्सपेक्टेशंस के बारे में, लोगों की बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, वी शेप एक्सपेक्टेशंस हैं, बट द रियलिटी मे बी डिफरेंट, रियलिटी अलग हो सकती है और आपको पैनिक हो सकता है, और यही रीज़न है कि मैं आपको इस वीडियो को फॉर्मेशन कर रहा हूँ। अगेन आई विल रिपीट, एक्सपेक्टेशन इज द रूट ऑफ ऑल हार्ट है। तो आप वो एक्सपेक्टेशन मत कीजिए जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करें, आपके लिए नुकसान करें। खैर उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा और आप लोग भी समझदारी से एक प्रॉपर सोच समझ के इवेंट का इंतज़ार करके एक पूरा पैटर्न को चेक करके ही किसी भी नई पोजिशन को इनिशिएट करेंगे, स्टॉप लॉसेस के साथ बने रहेंगे। अगर आपके स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं देन आप उन स्टॉप लॉसेस को इग्नोर ना करते हुए अपनी पोजीशंस को क्लोज कर देंगे। खैर अपने एनालिसिस तो आप करते रहिएगा, आपका कुछ फाइनेंशियल एडवाइज़र हो या आपके कुछ ऐसे लोग हों जो कि आपको सलाह मशवरा दे सकते हैं तो डेफिनेटली उनसे कंसर्न कीजिएगा, उसके बाद जो भी प्रॉपर और बेस्ट डिसीजन हो आपके लिए वो लीजिएगा। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात करेंगे कुछ और बेहतरीन वीडियोज़ के साथ, कुछ और बेहतरीन टिप्स के साथ। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और अगर आप बेल का आइकन प्रेस करेंगे तो आपको मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन अपलोड होते ही तुरंत। दोस्तों आज मैं यहीं आगे लेता हूँ, नमस्कार दोस्तों।